हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट है पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी चंडीगढ़ की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पंजाब में PEDA यानी कि पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी चंडीगढ़ की तरफ से 24 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कुल 24 वैकेंसियां निकाली हैं और इन 24 वैकेंसियों को अलग अलग पोस्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिसमें की 15 वैकेंसियां हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए कुल 5 वैकेंसियां हैं, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए 1 वैकेंसी है और प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए कुल 1 वैकेंसी है। तो इस तरीके से इन सभी 24 वैकेंसियों को 5 अलग अलग पोस्ट वाइज बांटा हुआ है और उसके अलावा यहाँ इन्होंने ब्रांच वाइज की कौन सी पोस्ट पे किस ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी है उसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, इन सभी 24 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 3 सितंबर 2021 से और आप 23 सितंबर 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इन सभी 24 वैकेंसियों पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन सबको यहाँ पे ₹1000 एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब इसमें दोस्तों आगे बात करते हैं हम आपकी एज लिमिट के बारे में। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 37 साल रखी गई है। SC BC कैटेगरी के कैंडिडेट की एज लिमिट 18 से 42 साल रखी गई है। विडोज, डिवोर्सी एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वेमेन, इन सबको यहाँ पे 18 से 40 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। जो कैंडिडेट पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है उनकी एज लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है। PWD कैटेगरी के कैंडिडेट की एज लिमिट 18 से 47 साल रखी गई है और यहाँ जो क्रूशल डेट रखी गई है आपकी एज लिमिट को चेक करने के लिए वो क्लोजिंग डेट यानी कि 23 सितंबर 2021 रखी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं आपके पे स्केल के बारे में। मैनेजर की पोस्ट पे जो कैंडिडेट की इनिशियली बेसिक पे है वो ₹44,900 है और बाकी के सारे मिलाकर आपको जो सैलरी मिलेगी वो लगभग महीना मिलेगी। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन और प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की जो बेसिक पे रहेगी वो ₹35,400 रहेगी और इन सभी वैकेंसियों पे बाकी के सारे अलाउंस मिलाकर जो कैंडिडेट को एक्चुअल सैलरी मिलेगी वो लगभग ₹55,000 महीना मिलेगी। और अब बात करें यहाँ पे इन सभी 24 वैकेंसियों के प्रोबेशन पीरियड के बारे में, तो यहाँ जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे इन सभी वैकेंसियों पे उन सबका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 3 साल का रहेगा। और यहाँ दोस्तों, उन्होंने इस नोटिफिकेशन में इन सभी 24 वैकेंसियों को अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी गई हैं। अब दोस्तों, इसमें आगे बात करते हैं पोस्ट वाइज एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने BE/BTECH कर रखी हो फर्स्ट डिवीजन से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कैंडिडेट को जो है रेलिवेंट फील्ड का 3 साल का एक्सपीरियंस हो। साथ ही यहाँ कैंडिडेट ने जो है वो पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ रखी हो या फिर कैंडिडेट ने MBA/MTECH कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहाँ कैंडिडेट को 1 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस हो और MBA/MTECH से पहले कैंडिडेट ने BE/BTECH कर रखी हो रेलिवेंट फील्ड से, यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री के बाद अगर MBA/MTECH कर रखी है उसको 1 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है और कैंडिडेट को जो है वो नॉलेज है पंजाबी लैंग्वेज की अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ पे मैनेजर की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने BE/BTECH कर रखी हो फर्स्ट डिवीजन से, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ ही यहाँ कैंडिडेट को 1 साल का रेलिवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है, पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड कैंडिडेट ने पढ़ रखी है या फिर कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है फर्स्ट डिवीजन का इंजीनियरिंग में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और साथ ही कैंडिडेट को 3 साल का रेलिवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट ने मैट्रिक स्टैंडर्ड तक पंजाबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखी है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं।
असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने जो है वो बीकॉम कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कैंडिडेट को जो है वो कंप्यूटर की नॉलेज हो, साथ ही यहाँ कैंडिडेट को जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है लाइक टैली वगैरह इन सब की भी नॉलेज हो, और उसके अलावा कैंडिडेट को जो है 3 साल का रेलेवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस हो, कैंडिडेट ने जो है पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ रखी हो, या फिर कैंडिडेट ने एमकॉम एमबीए फाइनेंस कर रखी हो, साथ ही कैंडिडेट को 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो और कैंडिडेट ने पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड तक पढ़ रखी हो। तो ऐसे सभी कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री कर रखी हो जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कैंडिडेट को 3 साल का रेलेवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस हो, कैंडिडेट ने पंजाबी जो है अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड पढ़ रखी हो, या फिर कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री कर रखी हो जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशन में और उसको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, कैंडिडेट ने पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड पढ़ रखी हो। तो ऐसे सभी कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने जो है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री पास कर रखी हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, साथ ही कैंडिडेट को 3 साल का रेलेवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस हो, कैंडिडेट ने पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड पढ़ रखी हो, या फिर कैंडिडेट ने जो है फर्स्ट क्लास एमसीए कर रखी हो या कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री कर रखी हो, आईटी से मास्टर डिग्री कर रखी हो और कैंडिडेट को 1 साल का रेलेवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस हो और कैंडिडेट ने जो है वो पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ी हुई। तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ प्रोग्रामर की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों इसमें आगे हम बात करते हैं कैंडिडेट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का सिलेक्शन क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैंडिडेट से यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहली जो पोस्ट थी वो थी मैनेजर की पोस्ट। मैनेजर की पोस्ट पे कैंडिडेट से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम इस पेपर को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को दिया जाएगा। ये पेपर जो होगा उसमें कैंडिडेट से जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस पेपर में कुल 2 सेक्शन बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे और दूसरे सेक्शन में कंसर्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 60 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और यहाँ कोई भी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यानी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होना है वो इसी रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होना है। दूसरी कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए। इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ये टेस्ट होगा और यहाँ भी 2 सेक्शन बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में जो है कंसर्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के कुल 60 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और यहाँ भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होना है वो इसी रिटर्न टेस्ट के मेरिट के बेसिस पे होगा। तीसरी कैटेगरी में वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट से कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा इस पेपर को पूरा करने के लिए। कैंडिडेट से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेपर में कुल 2 सेक्शन बनाए गए हैं, पहले सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड के कुल 40 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में अकाउंट्स के कुल 60 क्वेश्चन कैंडिडेट से यहाँ पे पूछे जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो इस रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होगा, यहाँ कोई भी सेकंड स्टेज का एग्जाम या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का जो पेपर होगा वो कुल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम इस पेपर को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। इस पेपर में कुल 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, पहला सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का जिसमें कुल 40 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में कैंडिडेट से कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो सारे होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसी पेपर के बेसिस पे असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की वैकेंसियों पे कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, यहाँ कोई भी इंटरव्यू कैंडिडेट का कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। और सबसे लास्ट प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट का जो पेपर होगा वो कुल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा। इस पेपर में भी 2 सेक्शन बने हुए हैं, पहला सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का जिसमें कुल 40 क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेक्शन में कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग के कुल 60 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। ये पेपर भी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यहाँ भी कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यानी इसी पेपर के नंबर के बेसिस पे कैंडिडेट की प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। और यहाँ दोस्तों उन्होंने हर पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट का सिलेबस होगा उस सिलेबस की सारी डिटेल इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाली हुई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होंगे और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इनकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सारा सिलेबस जो है वो अपनी कंसर्न फील्ड का चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें।